दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं shoppers33.com वेबसाइट की रियलिटी को। इस वेबसाइट के बारे में आपको बताया जाएगा कि 50% तक आपको कमीशन मिलेगा हर एक ऑर्डर को कंप्लीट करने पर। यानी कि अगर 1000 रुपये का ऑर्डर आपको आया है तो 50% यानी कि डायरेक्टली जो है आपको 500 रुपये मिल गए। 10,000 का आया है तो 50% यानी कि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया कमीशन का। इस तरीके से लोग आपको बताएंगे। shoppers33.com का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है, जहाँ पर मैंने एक नंबर रजिस्टर किया है 1234566666, और भाई ऐसा नंबर भी रजिस्टर हो गया बिना कोई OTP के। और यहाँ पर जो है मुझे 60 रुपीज़ मिल चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इस 60 रुपये का जो है मैं भाई विड्रॉल नहीं कर पाऊंगा। मुझसे जो है बैंकिंग डिटेल्स तो ले लिया जाएगा लेकिन विड्रॉल नहीं दिया जाएगा, मुझे कहा जाएगा एक रिचार्ज करने के लिए। और यहाँ पर अगर रिचार्ज की बात की जाए तो 100 रुपये से लेकर के 1 लाख के बीच में आप रिचार्ज कर सकते हो। तो अगर 100 का रिचार्ज करूँगा तो हो सकता है कि शायद मुझे विड्रॉल मिल जाए फर्स्ट टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना स्टार्टिंग में विड्रॉल मिल जाता है। क्योंकि इसके पीछे का रीजन ही यही होता है कि ये लोग आपसे 100-200 रुपए नहीं कमाना चाहते हैं। मैं अपने हर एक वीडियोस में बता रहा हूं इस बात को कि शुरुआती टाइम में आपको विड्रॉल इसलिए दिया जाता है बिकॉज ये लोग जो है आपसे 100-200 रुपए नहीं कमाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि 100-200 के बदले आप इस पर जो है विश्वास कर लो और उसके बाद जो है आप इनके टास्क को कंप्लीट करने के चक्कर में लग जाओ। इस तरीके से आपके साथ स्कैम हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल भी अपने पैसे मत लगाइएगा। shoppers33.com से पहले भी जो है shoppers के नाम से जो है बहुत सारे वेबसाइट को ये लोग जो है क्रिएट करके लोगों के साथ स्कैम कर चुके हैं। अब इस नई वाली वेबसाइट पर भी लोगों के साथ स्कैम किया जाना चालू हो चुका है, और मैं नहीं चाहता हूं आप में से कोई भी इनके टास्क को कंप्लीट करने के चक्कर में लगो, क्योंकि 50% कमीशन के साथ जो है बढ़ा करके अमाउंट तो जरूर शो किया जाएगा लेकिन उसको आप विड्रॉल ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारे आपसे जो है टास्क कंप्लीट करवा लिए जाएंगे लेकिन बाद में भी आपको यही कहा जाएगा कि सिस्टम आपको ऑटोमेटिक टास्क दे रहा है, वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो कभी कहा जाएगा ये स्पेशल टास्क है, तो कभी कहा जाएगा ये हिडन टास्क है। इसके अलावा जो है ये लोग आपसे डिमांड कर सकते हैं 20-25% टैक्स का, कि आपका सारा अमाउंट जो है विड्रॉल करवा देंगे, बस आपको जो है 20-25% टैक्स देना है। लेकिन अगर आप इनको ये टैक्स भी पे कर देते हो, पहली बात तो ये टैक्स के नाम पर बस आपसे पैसा किसी तरीके से निकलवा रहे हैं। अगर आप इनको ये पैसा भी दे दोगे ना, उसके बाद भी जो है आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे, आपके साथ और भी ज्यादा स्कैम हो जाएगा। और इसके अलावा ये लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई आपका जितने का भी अमाउंट का टास्क शो हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कोई 10,000 रुपये का टास्क शो हो रहा है तो आप कहोगे कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, तो ये लोग आपकी जो है हेल्प करने की बात करेंगे। यहाँ पर आपके अकाउंट में जो है ये लोग 5,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके वेबसाइट में जो आपने अकाउंट बनाया है ना उसकी बात कर रहा हूँ। 5,000 रुपये क्रेडिट कर दिया जाएगा और कहा जाएगा बाकी के 5 डाल करके टास्क को कंप्लीट कर लो और फिर विड्रॉल ले लो, बाद में मेरे पैसे दे देना। इस तरीके से ये लोग इसलिए करते हैं ताकि आपका जो है और विश्वास बन जाए कि सामने वाला बंदा मेरी हेल्प कर रहा है, अब मुझे तो ये टास्क कंप्लीट कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि वहाँ पर उस वेबसाइट में जो है उन अमाउंट्स को सिर्फ एक नंबर की तरह दिखाया जाता है, वो आपके रियल के पैसे नहीं होते हैं। आपके रियल के पैसे जो हैं आपने किसी के UPI पर जो है सेंड कर दिया था और उसका स्क्रीनशॉट बस इन लोगों को शेयर किया था, और ये लोग बस उसकी वेबसाइट में जो है अपडेट कर दे रहे हैं अमाउंट को बढ़ा करके, ताकि आपको लगे कि मेरे पैसे हैं ये, लेकिन वो सिर्फ एक नंबर है। दोस्तों अगर आपके साथ जो है इस वेबसाइट पर स्कैम हो चुका है, आप अपने पैसे लगा चुके हो, अब विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जो है आपको साइबर क्राइम में कंप्लेन करना है cybercrime.gov.in पर जा करके, या फिर आप जो है 1930 डायल कर सकते हो और साइबर कंप्लेन कर देना, और वहां से एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उसके द्वारा जो है आप बाद में अपने कंप्लेन के स्टेटस को ट्रैक कर पाओगे। इसके अलावा जो है आपको अपने पेमेंट ऐप यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिससे भी आपने ट्रांजेक्शन किया था उनसे बात करनी है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर ये जो ट्रांजेक्शन मैंने किया है ना इसमें मेरे साथ जो है फ्रॉड हो गया, इस ट्रांजेक्शन अमाउंट को सर रिवर्स करवा दीजिए। आप उन्हें बताइए कि किस अकाउंट पर आपने जो है पैसा सेंड किया था, किस UPI पर पैसा सेंड किया था और उसमें जो है आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उनसे आप हेल्प मांगिए। अगर वो लोग आपकी हेल्प कर देते हैं और उस स्कैमर का अकाउंट एक्टिव होता है उसमें अगर पैसे हैं तो आपको आपके पैसे वापस मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा जो है इन लोगों से बिल्कुल भी बात मत कीजिएगा, ये लोग मनी रिकवरी कराने वाले बंदे नहीं है भाई, ये स्कैमर्स हैं, ये आपसे कुछ चार्जेस ले लेंगे, बाद में आपको ये लोग ब्लॉक कर देंगे, बिल्कुल भी इन लोगों की बात में मत आइएगा। आई होप गाइस आप लोग मेरी बात को समझ चुके हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो किसी भी ऑनलाइन स्कैम की जानकारी तो आप शेयर कर सकते हो। मेरा Instagram ID और Gmail ID आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमेशा आपको अवेयरनेस वाली वीडियोस देखने को मिलेगा, ताकि आप लोग अवेयर हो पाओ और आपके साथ स्कैम नहीं हो। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।